उत्तर प्रदेश के नौगांवा विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि नौगांवा विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन रायनी अमरोहा के गांव सैदपुर इम्मा पहुंचे। बता दें कि बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती के निर्देश पर यहां पहुंचे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन रायनी ने बसपा प्रत्याशी फुरकान अहमद को नौगांवा विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन रायनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में झूठों की सरकार चल रही है। देश और प्रदेश में जिस तरीके से झूठ बोलकर सरकार बनाई है, उसको हम नहीं कह रहे, उसे हमसे बेहतर जनता समझ रही है। जब इस देश के अंदर 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार चली, तब बीजेपी भी कहती थी कांग्रेस से मिली हुई है बसपा, लेकिन हमने उनको समर्थन बाहर से दिया था, ना कि अंदर से। कांग्रेस की सरकार 10 साल बीएसपी ने चलवाई, यह एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब कांग्रेस आती है तो बीजेपी आरोप लगाती है, और जब बीजेपी आती है तो समाजवादी और कांग्रेस दोनों मिलकर बसपा पर आरोप लगाते हैं। शमसुद्दीन रायनी ने कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च को चुनावी मुद्दा सिर्फ बीजेपी और समाजवादी बनाती है, यह धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। होने वाला जो समय है, यहाँ उपचुनाव होने वाला है, डेढ़ दो चार दिन में घोषित हो जाए, चुनाव तो होना ही है, तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार हम यहाँ आए, उनका संदेश लेकर, पैगाम उनका लेकर आए हैं कि जो यहाँ विधानसभा खाली हुई थी, उसके लिए हम लोगों ने, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ नौगामा शादात विधानसभा का प्रभारी, वे चुनाव घोषित दो तीन दिन में हो जाएंगे, उसका प्रत्याशी भी आपको आज फुरकान अहमद साहब को बनाया गया है। और किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर? किन मुद्दों में, क्या मुद्दे तो अनेक हैंगे, एक मुद्दा हो तो हम बताएं, जो इन लोगों ने पूरे झूठों की सरकार चल रही है, पूरे देश और प्रदेश में जिस तरीके से झूठ बोलकर सरकार बनाई है, उसको हम नहीं कह रहे, हमसे बेहतर जनता समझ रही है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे देश पे सीमा पर जवान हो, हर तरीके से इस टाइम लोग, सभी लोग परेशान हैं। आप आम जनमानस जिस तरीके से वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो सरकार चल रही है, उसमें आप समझ सकते हैं कि लाइन ऑर्डर किस परिस्थिति से गुजर रहा है। देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने उपचुनाव लड़वाया था, उपचुनाव इसके पहले भी लड़ाया था, और ऐसा नहीं है बसपा ने चुनाव लड़ाने का भी काम किया है, ये एजेंडा होता है, कभी चुनाव उसके पहले नहीं लड़ाया, लेकिन आपने देखा इसके पहले हमने नगर निगम, नगर पालिका भी चुनाव लड़ाया था 2000 के बाद। अच्छा, मेरा सवाल ये है, क्या कहेंगे, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, राजनीतिक पार्टी बाद में है, पहले मिशन और मूवमेंट है, और जो बसपा का मिशनरी वर्कर होता है, जो मिशनरी वर्कर है, चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता है, वो अपने नेता के आदेश को पालन करता है। बसपा नेता को शायद जानकारी होगी, जब इस देश के अंदर 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार चली, तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी कांग्रेस की बी टीम बीएसपी है, हमने उनको समर्थन बाहर से दिया था, ना कि अंदर से दिए, देश के अंदर 10 साल सरकार पूरी कांग्रेस की चलवाई बीएसपी ने, तो उनका एक तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब कांग्रेस की तरफ रहते हैं तो बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस की बी टीम है, जब कांग्रेस की तरफ जाते हैं, जब बीजेपी तरफ थोड़ा सा ऐसा लोग कहते हैं तो कांग्रेस आरोप लगाती है। मतलब देखिए, पहली बात तो हमारी पार्टी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, भाई हम तो ये जानते हैं, अभी बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया था, हमने उसका सम्मान किया, हमारी पार्टी हमेशा जो भी कोर्ट का जजमेंट आता है उसका सम्मान करती है। कहीं आने वाले अलग पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, ये दोनों मुद्दे बनाते हैं, ये लोग धर्म की आड़ में सियासत करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, ये धर्म की आड़ में सियासत करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी सामाजिक भाईचारे पर और भाईचारे बनाने पर सियासत करती है।
बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की हितैषी है। आपको शायद जानकारी होगी, जब इस प्रदेश के अंदर सरकार बसपा की 2007 से 12 के बीच बनी थी, बहन जी ने सबसे पहले नारा दिया था सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय, और उसी आधारित पे सरकार चलाई, सर्व समाज को सम्मान दिया, ब्राह्मण से लेके जमीनी जो भी जिस समाज के लोग होते थे, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे पाल प्रजापति कश्यप समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, सबको जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा देखे BSP का ही नारा था। आज सर समाज को फिर हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, और सर समाज की नज़र, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने शायद देखा होगा, जब 2012 से 17 के बीच में सरकार समाजवादी पार्टी की चल रही थी, तो कितने बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी, अपराधगिरी, बेलगाम अपराधी घूम रहे थे, क्राइम बड़े पैमाने बढ़ चुका था, और उससे दुगने आज भारत, तो लोगों ने सोचा कि चलो समाजवादी पार्टी में तो गुंडों की पार्टी है, अपराध तो बढ़ता ही है। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने लाइक किया, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी का उससे दुगना क्राइम बढ़ चुका। तो आज जितनी भी जनता है, जो भी हमारे लोग हैं, जितनी जाति मजहब के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, सारे लोग दुखी मन से ये आवाज़ दे रहे हैं कि इस प्रदेश को अगर कोई चला सकता है तो केवल इस प्रदेश की एक ही नेता है, बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सांप्रदायिक ताकतों ने, जब जब सांप्रदायिक ताकतों ने मुंह खोलने की कोशिश करी, तब तब बहन जी ने सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए अपने विरोधियों से भी समझौता करने का काम किया। सरकारें चल रही है, RLD और सपा गठबंधन होकर अपना प्रत्याशी नौगावा विधानसभा में उतारेंगे, तो आपको देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ, वो उनका विषय है। जो आपकी टिकट की घोषणा हुई है, क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी, और कैसे चुनाव को आप, मतलब लोगों के, जनता के बीच क्या क्या मुद्दे लेकर आप जाएंगे? मैं बहन कुमारी मायावती जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने एक छोटे से किसान के बेटे को, गरीब के बेटे को, पिछड़े गाँव के बेटे को अपना आशीर्वाद दे करके नौगांव विधानसभा के उपचुनाव में भेजा है। मैं बहन जी की जो नीतियां हैं उन पर चलकर सर समाज में भाईचारा पैदा करके, सर समाज को साथ में लेकर के, ये नौगांव विधानसभा सीट जीत करके अल्लाह के करम से, भगवान की कृपा से बहन जी की झोली में डालने का काम करूं। किन मुद्दे क्या होंगे? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।